फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज नंबर है 4.4, जिसमें हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे एग्जांपल हम देखेंगे, उसमें आई थिंक 12 एग्जांपल है, वो सारे एग्जांपल हम देखने वाले हैं आज। ओके स्टूडेंट, लेकिन इसके पहले हम आपको ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये इजी लगेगा और आप इसे इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, जिसका लिंक ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट देखिए क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेट x अपॉन 4x रेज टू 4 माइनस 2x माइनस 3। ओके स्टूडेंट, देखिए ये अभी तक हमने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप का क्वेश्चन देखा, लेकिन अभी यहाँ पर हमें पहले सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं t इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पर देखिए x रेज टू 2 है, इसे आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये 4x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो अभी देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, t इज इक्वल टू x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया, अभी हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x। ओके, अभी हम dx वहाँ पर जाएगा, ये 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, क्वेश्चन में हमें वैसा कुछ दिख नहीं रहा है इसीलिए, ठीक है। तो देखिए ये dx, x dx हमारा जो क्वेश्चन में दिख रहा है, यस, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt by 2 लिख सकते हैं। ओके, और जहाँ जहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, i इज इक्वल्स टू वॉट, dx इंटू dx की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, dt by 2 लिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए 4t स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की यहाँ पे टी लिख दिया, और यहाँ पे 3। ओके स्टूडेंट, तो ये जो 2 है कांस्टेंट टर्म है, आप उसे बाहर ले लीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, वैसे ब्लैंक अच्छा नहीं लगता है, 1 by 2, ये हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन आ गया है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर हमारा 4.4 के बेस्ड ऑन दिस ओनली था, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना था, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्या रिमूव करेंगे, ये 4 बाहर ले लेंगे, आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बाहर 8 हो जाएगा, और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये टी स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो टी बाई 2 बचेगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 बच जाएगा। कॉमन लेना मतलब हम सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अभी हमें क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, ये जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 1/2, उसको आप 2 से डिवाइड करिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16। 1/16 को हम मिडिल टर्म के बाद एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक बार मिडिल टर्म के बाद एक बार पहले प्लस करेंगे 1/16, एक बार माइनस करेंगे 1/16 माइनस 3/4 dt। ओके, तो अभी ये 3 टर्म एक साथ जाएगा, ये 2 टर्म एक साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी बाई 2 प्लस 1/16 माइनस, अभी ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 13/16 माइनस 13/16 हो जाएगा। ओके, तो अभी हम दोनों टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमने ऑलरेडी वीडियो में देखा हुआ है कि इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट हम यहाँ पर ये वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लस 1/16, ये हमारा टी का स्क्वायर है, हम ये लास्ट टर्म को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, 1/4 का स्क्वायर, यहाँ से टी लेंगे, यहाँ से 1/4 लेंगे, मिडिल टर्म में आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे माइनस प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, दोनों प्लस आएगा तो प्लस आएगा, दोनों माइनस रहेंगे ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, फिर से हमें यही मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया,
ओके और ये क्या हो जाएगा, रूट थर्टीन बाई फोर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमने दोनों टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। ओके तो अभी देखिए हमें कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, ये इसे हमने x कंसिडर किया, इसे हमने x a कंसिडर किया, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। ओके तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वन बाई टू ए लॉग, ये वन बाई एट है ऑलरेडी यहाँ पर, वन बाई एट, वन बाई टू ए, ए इज वॉट, रूट थर्टीन बाई फोर इंटू लॉग एक्स इज वॉट, टी माइनस वन बाई फोर माइनस रूट थर्टीन बाई फोर अपॉन प्लस थर्टीन बाई फोर। ठीक है, प्लस सी, यहाँ पर हमने वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, इसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना है, ये फोर टू ज़ार टू टू फोर फोर, वन अपॉन फोर रूट थर्टीन लॉग, अभी देखिए यहाँ पे सबका डिनोमीटर फोर है, ये फोर टी हो जाएगा, ये वन माइनस थर्टीन बाई फोर हो जाएगा, और ये फोर टी माइनस वन प्लस थर्टीन बाई फोर हो जाएगा प्लस सी। ओके स्टूडेंट, डिनोमीटर सेम है, कैंसिल कर देंगे, वन अपॉन फोर रूट थर्टीन लॉग। देखिए यहाँ पे जो t का वैल्यू दिख रहा है, t की जगह पे हम फिर से t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, t को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर t की जगह पे हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसे ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको ऐसे ही रखते हैं प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकेंड देखिए स्टूडेंट, क्या आई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स रेज टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहला फर्स्ट एग्जांपल देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो अभी इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये टू एक्स हो जाएगा। अभी हम इसे अरेंज कर लेते हैं, डी टी बाई टू इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स यहाँ पर चलेगा, टू यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये जो न्यूमीटर में दिख रहा है एक्स डी एक्स के, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डी टी बाई टू लिख देंगे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो हम इसके यहाँ पे डी टी लिख देंगे, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल्स टू वॉट, डी टी बाई टू लिख दिया हमने, ये वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन हो गया। ओके, ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट, आप इसे बाहर लीजिए, ये देखिए वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया हमें, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ये एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब टी स्क्वायर के साथ, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पे एक्स का कोई टी का कोएफिशिएंट क्या है, वन, वन को टू से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वन बाई फोर हो जाएगा, वन बाई फोर को हम मिडल टर्म के बाद एक बार पहले प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस करने से हमारा जो इक्वेशन का मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन हमें जो टर्म चाहिए रहता है वो मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए वन बाई टू, ये तीन टर्म एक साथ जाएगा, ये दो टर्म एक साथ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन माइनस, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी ये x हो गया, ये a हो गया, तो अभी हमारा फॉर्मूला x बाई ए का स्क्वायर, मतलब क्या हो रहा है, ये वन बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी का फॉर्मूले में आ रहा है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमें वन बाई ए, ए वॉट इज ए, रूट थ्री बाई टू टेन इनवर्स x क्या है, टी प्लस वन, बाई ए क्या है, रूट थ्री बाई टू प्लस सी। ओके स्टूडेंट, ये टू टू कैंसिल हो गया, रूट थ्री टेन इनवर्स, इस रेसिप्रोकल कर देंगे, ये टू ऊपर चला जाएगा और टी के जगह पे देखिए एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो ये हम नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट ओपन करना है तो ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं, या अदरवाइज हम यहाँ पे ही रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ठीक है। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है हमारा, आई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 16x raised to 8 upon 25 dx। ओके स्टूडेंट, तो ये अभी हमारा क्वेश्चन है। अभी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी है हमें। ओके तो देखिए यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है ना, तो एक्स क्यूब दिख रहा है आपको, तो हम एक्स टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4, ताकि इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4x³ मिल गया। अभी इसे हम अरेंज करते हैं, dt by 4 इज इक्वल्स टू x³ dx मिल गया। तो ये देखिए x³ dx मिल रहा है, उसके यहाँ पे हम dt by 4 रख देंगे, और जहाँ पे ये 16 x² का पावर 4 लिख सकते हैं, या सॉरी x पावर 4 को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x raised to 4 की जगह पे हम t लिख देंगे, तो ये 16t² हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो देखिए देयरफॉर आई हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, ये x³ dx की जगह पे हमने क्या लिखा, dt by 4 लिख दिया। ओके और यहाँ पे t लिख देंगे, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 16t² - 25। ओके तो ये 4 कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले लेंगे। ओके तो अभी देखिए हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 16t² - 25। तो ये अभी हमारा 1/4 के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है। ये पहले टी स्क्वायर के साथ जो टर्म कांस्टेंट टर्म है, हम उसे बाहर ले लेंगे, तो ये 64 हो जाएगा, 1/t², ये 25/16 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। इसे हम 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें देखिए कौन से क्वेश्चन फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, x² - a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log x - a x + a + c। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमारा x है, हमारा a है, 1/64 कॉन्स्टेंट हमें बाहर है, उसको एज इट इज लिख देंगे, 2 into a इज वॉट 5/4 log t - 5/4 upon t + 5/4 + c। ओके ये 16, तो ये 32, ये 160 हो जाएगा, log 40 - 5/4 40 + 5/4। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर देंगे। लास्ट स्टेप देखिए, टी के जगह पे हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, क्या t raised to x raised to 4, तो हम टी के जगह पे x raised to 4 फिर से पुट कर देंगे, और हमें आंसर मिल जाएगा +c। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है, I इज इक्वल टू 1/a² e raised to x + b² e raised to -x। ठीक है, अभी देखिए इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन तो डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इंडाइसेस रूल है, ये दिस e raised to -x, तो उसको हम ये फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, a² x e raised to x + b² 1/e raised to x। ठीक है, लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, 1/a² e raised to x का स्क्वायर बन जाएगा, +b² / e raised to x हो गया। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये e raised to x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये a² और b² ये कांस्टेंट टर्म है, तो उसे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर है आप कंसीडर करके चलिए उसको। अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, e raised to x, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट t = e raised to x आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो इसका डेरिवेटिव e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है, तो यहाँ पे dt क्या मिल जाएगा, e raised to x dx मिल जाएगा। मतलब ये देखिए क्वेश्चन में, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे,
dt लिख देंगे। ओके, इसके पे हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया और यहाँ पे t आ जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, I is equals to what, ये इसके यहाँ पे हमने dt लिख दिया, यस, और यहाँ पे हमने t लिख दिया, तो t स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो सबसे पहले हमें ये t स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो हमें रिमूव करना है, तो हमने वो कॉमन ले लिया, तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a। ठीक है, तो अभी हमें कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में मिल गया, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया, तो क्या होता है, 1 बाई a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये हमारा x है, ये हमारा b बाय a इज a है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 बाई a tan इनवर्स x बाय a, x इज t बाय a मतलब b बाय a प्लस c, ये a और a स्क्वायर में से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 बाई a भी बच गया, tan इनवर्स ये a t बाय b प्लस c हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट में हम t के जगह पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ e raise to x सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 बाई a b tan इनवर्स a e raise to x बाय b प्लस c। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू माइनस 3x। तो यहाँ पर भी देखिए सेम स्टेप जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया हुआ है, पहले वो कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंडाइसेस रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये 1 अपॉन ई रेस टू 3x हो जाएगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें e raise to 3x का स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस प्लस 1 अपॉन e raise to 3x मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये e raise to 3x हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, e raise to 3x का स्क्वायर प्लस 1 dx लिख दिया हमने। ओके, अभी यहाँ पर देखिए हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं t is equals to e raise to 3x, तभी जब हम t का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो e raise to x, e raise to x, e raise to x इंटू 3x का डेरिवेटिव चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। अभी इसे हम थोड़ा अरेंज करते हैं, ये dx वहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, 3 यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, e raise to 3x dx हो गया, ये 3 हमें क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में सिर्फ ये ही दिख रहा है, 3 होता तो हम 3 को वहाँ पर ही रखते थे, तो हमें सिर्फ यहाँ पर जितनी की ज़रूरत है उतना ही लेंगे, बाकी सब यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर इतना दिख रहा है। ठीक है, उसके यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दिस टर्म, और यहाँ पर हमारा टी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वॉट, डी टी बाई 3 टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, आप उसे बाहर ले लीजिए, 1 बाई 3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x, x इज वॉट t प्लस c। लास्ट स्टेप हम t की जगह पे क्या लग देंगे, t क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, e raise to 3x प्लस c। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया, तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, जो पीछे के एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज है, फॉर्मूलेज है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना है, तो आप बहुत ही ईजिली इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। इंटीग्रेशन में आपको इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए, मेथड्स याद रखने के लिए आपको सारा मेथड्स को प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है, तो आप इजीली इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे और उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं, ये करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, x is to 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हम डेरिवेटिव निकालते हैं ये टर्म का, तो हमें x is to 5 मिलेगा, तो ऊपर देखिए सिर्फ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x is to 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x is to 5 आ जाएगा और यहाँ पे x is to 6 हो जाएगा। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, अगर अभी हमने सब्स्टिट्यूट t is equals to x is to 6 plus 1 किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, dt by dx is equals to 6 x is to 5, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका मतलब देखिए dt by 6
इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 5 dx हो जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, दिस टर्म dt टी बाय 6 लिख दोगे, और जहाँ पे 6x स्क्वायर एक्स रेज टू 6 प्लस 1 है उसके जगह पे t लिख देंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका उसके लिए हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसे देखिए, ये 1 वहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 6 इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो अभी हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, टी माइनस 1। ओके, समझे स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये एक्स रेज टू 5 डी एक्स है, उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी टी बाय 6 लिख देंगे, और एक्स रेज टू 6 प्लस 1 है उसके जगह पे हम टी लिख देंगे। लेकिन ये हमारा ये बच रहा है ना, तो इसका क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया हुआ है, ये 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया, एक्स रेज टू 6 इज इक्वल टू टी माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर हम इसके जगह पे टी माइनस 1 रख देंगे। ओके, तो देखिए, देयरफॉर हमारा आई क्या बन जाएगा, डी टी बाय 6, और यहाँ पे हमने टी माइनस 1 लिख दिया, और ये टी लिख दिया। ओके, इसके यहाँ पे हमने टी लिख दिया ना, इसका पावर कुछ है क्वेश्चन में नहीं। ओके, तो देखिए ये हमारा ये मिल जाएगा, अभी ये 6 को कॉन्स्टेंट टर्म को हमने बाहर ले लिया, डी टी अपॉन, अभी ये सिंप्लीफाई करते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी। तो अभी क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर थर्ड टर्म या हमारा कॉन्स्टेंट टर्म हमारा नहीं है, तो उसका आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी देखिए, ये जो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1 को आप 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 को इसके बाद एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी, एक पहले प्लस किए फिर बाद में माइनस कर दिए, तो अभी ये 3 टर्म एक साथ जाएगा, ये टर्म अलग हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब टी माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए हमारा 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, तो ये x है हमारा, ये a है हमारा, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/a, a इज व्हाट, 1/2 log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/6 बच गया log, ये हमारा इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2t माइनस 1 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, 1/2 अपॉन, सॉरी ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और ये हमारा ये 2t प्लस 1 माइनस 1 के कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ t बचेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ t बचेगा, ये कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल कर दिए, तो ये हमें आंसर देखिए क्या मिल जाएगा, ये हमारा ऐड हो जाएगा ना, तो इसे हम ये ऐसे नहीं करते, माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो इसे हम 1/6 log टी माइनस 1 लिख देते हैं, और ये टी लिख देते हैं प्लस सी। लास्ट स्टेप, टी के जगह पे हम फिर से वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या सब्स्टिट्यूट किए थे हम, एक्स रेज टू 6 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/6 log एक्स रेज टू 6 प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किए थे, तो एक्स रेज टू 6 प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किए थे, ठीक है। तो देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक और स्टेप हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये एक्स रेज टू 6 अपॉन एक्स रेज टू 6 प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, हम अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7, आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स ब्रैकेट 6 log x स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये log स्क्वायर है, ये log x है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है ये, t इज इक्वल्स टू log x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/x ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो dt बाय dx क्या हो जाएगा, 1/x, तो ये dt क्या मिल जाएगा, dx बाय x मिल जाएगा, dx बाय x ऑलरेडी हमारे पास है, इसके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और जहाँ पे log है वहाँ पे t लिख देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है देखिए वो क्या बन जाएगा, dt अपॉन
सिक्स टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस टू। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे डी एक्स बाय एक्स है, उसके यहाँ पे हमने डी टी लिख दिया और यहाँ पे टी लिख दिया, यहाँ पे टी लिख दिया लॉग एक्स की जगह पे, तो ये हमारा क्वेश्चन मिल गया। अभी सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब टी स्क्वायर के साथ जो एक टर्म है उसे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस सेवन बाई सिक्स टी प्लस टू बाई सिक्स, मतलब वन बाई थ्री बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड टर्म हमें क्या मिल जाएगा, सेवन बाई सिक्स को हम टू से डिवाइड कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब सेवन बाई ट्वेल्व का स्क्वायर, तो ये 49 बाय 144 मिल जाएगा, तो ये 1 बाई थ्री है ये। तो अभी 149 बाय 144 को हम मिडल टर्म के बाद एक बार प्लस करेंगे, फिर एक बार माइनस कर देंगे, तो 1 बाई सिक्स। तो पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, अगर आपने माइनस प्लस किए तो रॉन्ग हो जाओगे, तो आपको ध्यान रखना है आपको पहले प्लस करना है, 144 है ये। प्लस माइनस करने से इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता है, लेकिन हमें जो टर्म चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, ये दो टर्म एक साथ जाएंगे, ये तीन टर्म एक साथ जाएंगे, तो 1 बाई सिक्सटीन, तो ये टी स्क्वायर प्लस सेवन बाई सिक्स टी प्लस 49 बाय 144। अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस 1 बाई 44। ओके, तो ये हमें ये टर्म मिल जाएगा। तो अभी अभी दोनों को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाई सिक्स डी टी अपॉन ये टी और ये 7 बाई ट्वेल्व का स्क्वायर और ये 1 बाई ट्वेल्व का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो अभी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल से देखते ही आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 1 बाई टू ए, ए इज वॉट 1 बाई ट्वेल्व लॉग एक्स, क्या है दिस टी प्लस 7 बाई ट्वेल्व माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए 12 कैंसिल हो गया लॉग, यहाँ पर भी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 12 टी प्लस 7 माइनस 1 बाई ट्वेल्व और ये 12 टी प्लस 7 प्लस 1 बाई ट्वेल्व प्लस सी, ये 12 12 सेम है कैंसिल हो गया, लॉग 12 टी प्लस 6 हो जाएगा, 12 टी प्लस 8 हो जाएगा प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर देखिए टी की जगह पे हम फिर से टी का वैल्यू लॉग एक्स रख देंगे, रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे 2 आप कॉमन ले सकते, इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते, 2 कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, 60 टी की जगह पे हम लॉग एक्स लिख देते हैं और यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 6 लॉग और यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो एक स्टेप मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो प्लीज़ स्टूडेंट आप इतना समझ सकते हैं क्या करना है, आप दोनों के पास एक 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का 2 2 कैंसिल हो, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और टी की जगह पर हमने री वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू लॉग एक्स। ओके, तो अगला एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट 9 प्लस साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन दिख रहा है, तो अभी यहाँ पर देखिए हम बहुत ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, क्वेश्चन देख के डर लगता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली आपको सब्स्टिट्यूशन दिख जाता है, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो ऑलरेडी यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम डी टी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, डी एक्स बाय 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, डी एक्स बाय 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिख दिए डी टी लिख दिए और साइन की जगह पे हम टी लिख दिए, तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी, देखिए ये टर्म डी एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया, तो वो टर्म हमारा गायब हो गया और साइन इनवर्स की जगह पे हमने टी लिख दिया, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल हो गया, 9 को हम 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है,
वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। तो ये वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, टी के जगह पे हम फिर से उसका वैल्यू रख देंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी को हमने साइन इनवर्स एक्स रखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही हम नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 9 इज आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखिए यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं टी इज इक्वल्स टू कॉस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स होता है डेरेवेटिव का, तो डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन यहाँ पे देते हैं साइन एक्स डी एक्स, तो ये हमें क्वेश्चन में दिख रहा है साइन एक्स डी एक्स के पे हम क्या लिख देंगे माइनस डी टी लिख देंगे और कॉस की जगह पे टी लिख देंगे, तो यहाँ पे वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा डिनोमीटर में, तो हमारा आई देखिए क्या बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर, माइनस वन का माइनस का साइन है उसे बाहर ले लेंगे, तो हमारा देखिए फॉर्मूला वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, टी के जगह पे हम क्या रख देंगे टी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन देख के डर लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको ध्यान से करते जाना है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते चले जाते हैं, क्वेश्चन देख के कभी डरिए मत। t इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। देखिए अभी हम ये न्यूमरेटर टर्म हमारा हट गया, हट जा रहा है, डी टी इज इक्वल्स टू क्या बन गया कॉस एक्स डी एक्स बन गया। ओके, तो यहाँ पर ये टर्म हमारा हट गया, वहाँ पे डी टी लिख देंगे और जहाँ पे साइन है यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे से हमारा क्वेश्चन अरेंज हो जाता है, तो ये क्या बन गया 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, तो ये हम ये अभी हमें कौन से टाइप में मिल गया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे t स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया t स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4/3t हो गया और यहाँ पे 1/3 हो गया। तो थर्ड टर्म, अभी हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, व्हाट इज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हम कैसे निकालते हैं 4/3 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 2/3, 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9। अभी 4/9 का जब को हम मिडल टर्म के बाद एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर, पहले प्लस करना है ये माइनस है फिर माइनस करेंगे आप, पहले प्लस करिए फिर माइनस करिए। ओके, तो अभी ये तीन टर्म एक साथ में रहेंगे, ये दो टर्म साथ में रहेंगे, तो 1/3 डी टी, ये टी स्क्वायर माइनस 4/3t प्लस 4/9, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1/9 आ जाएगा ना, माइनस 1/9। ओके, तो अभी हम दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा इसका टी इसका 2/3 माइनस 2/3 का स्क्वायर और ये 1/3 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हमारा क्या फार्मूला लगेगा वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो अभी हमें फार्मूला तो याद हो गया होगा, इतना हमने ये फार्मूला देखा हुआ है 1/2a, a इज़ व्हाट 1/3 log x, x इज दिस माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, तो ये 3 कैंसिल हो गया 1/2 log, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 3t माइनस 2 माइनस 1/3 3t माइनस 2 प्लस 1/3 प्लस सी, तो ये जो डिनोमीटर सेम है उसे कैंसिल कर दिए हम, और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 log 3t माइनस 3
और 3t माइनस वन, टू माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री प्लस सी। ये लास्ट स्टेप हम क्या करें, t के जगह पे t का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर t हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, साइन t, ठीक है। तो थ्री साइन सॉरी थ्री साइन एक्स माइनस थ्री, थ्री साइन एक्स माइनस वन प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। अगला एग्जांपल देखते हैं, हमारा एग्जांपल नंबर 11, sec स्क्वायर एक्स अपॉन टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेवन टेन एक्स प्लस 13 डी एक्स। ओके स्टूडेंट, तो अभी देखिए इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, सब्सट्रूशन करेंगे, सब्सट्यूट व्हाट टी इज इक्वल टू टेन एक्स। हम लोग टी 10 के जगह पे टी सब्सट्यूट कर रहे हैं। अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो देखिए हमारे ये जो क्वेश्चन में दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिख रहा है, उसकी जगह पे हम डी टी लिख देंगे और जहाँ जहाँ पे 10 है वहाँ पे टी लिख देंगे। तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी हो जाएगा और ये। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टू टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस 13। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा वन अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये टी स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे मतलब ये टी स्क्वायर हो जाएगा, सेवन बाई टू टी हो जाएगा प्लस 13 बाई टू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, ये जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 7 बाई टू को आप 2 से डिवाइड करिए और फिर उसका स्क्वायर कर दिए। 7 बाई टू को 2 से डिवाइड करना मतलब 7 बाई फोर हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 49 बाई 16 मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म आपका क्या हो गया, 49 बाई 16, 49 बाई 16 को यहाँ पर मिडिल टर्म के बाद एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। यहाँ पर हम कर देते हैं, देखिए टी स्क्वायर प्लस 7 बाई टू टी, पहले हमें प्लस करना है फिर हम माइनस करेंगे। इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता है लेकिन यहाँ पर हमें जो स्टेप चाहिए रहता है वो मिल जाएगा। ये 13 बाई टू हो गया ना, ठीक है। तो अब ये टर्म ये साथ जाएंगे, ये दोनों टर्म साथ में जाएंगे। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई टू डी टी, ये टी स्क्वायर प्लस 7 बाई टू टी प्लस 49 बाई 16। यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 49 माइनस करेंगे तो ये 55 बाई 16 हो जाएगा। ओके, ये 55 बाई 16 हो जाएगा, प्लस में होगा। ओके, तो ये 55, ये दोनों को हम लोग ने सिंप्लीफाई किया तो 55 बाई 16 मिल गया प्लस में। अभी दोनों टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना, अभी दोनों टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना मतलब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर देता हूँ। यहाँ से टी लेंगे, यहाँ से 7 बाई 4 लेंगे, यहाँ से टी लिया, यहाँ से हम लोग ने 7 बाई 4 लिया। अब दोनों प्लस है इसलिए बीच में प्लस का साइन आएगा, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे रूट 55 बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने दोनों टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो अभी हमारा देखिए फॉर्मूला कौन से फॉर्म में दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज एक्स दिस इज ए, तो यहाँ पर हमने 1 बाई ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट ऑलरेडी बाहर है, 1 बाई ए व्हाट इज ए रूट 55 बाई 4 टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। तो ये 2 टू जा 4, ये डिनोमीटर में रेसिप्रोकल होके ये क्या ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन रूट 55 टेन इनवर्स, यहाँ पे देखिए ये 4t प्लस 7 बाई 4, यहाँ पे दोनों का जो डिनोमीटर है 4 कैंसिल हो जाएगा और फिर लास्ट स्टेप में टी के जगह पे
टेन एक्स पुट कर देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था टी इज इक्वल्स टू टेन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 tan x प्लस 7 अपॉन रूट 55 प्लस सी। नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल्स टू sec x इंटू टेन एक्स अपॉन 9 माइनस 16 टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव हमें sec x मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रिग्नो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 plus tan square x इज इक्वल टू वॉट sec square x होता है, देयरफॉर tan square x क्या हो जाएगा हमारा sec square x माइनस 1। तो यहाँ पर हम tan square x के पहले ये अरेंज कर लेते हैं, तो sec x इंटू टेन एक्स अपॉन 9 माइनस 16 sec square x माइनस 1 लिख दिए। ठीक है, अभी हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने सिंप्लीफाई किया sec x इंटू टेन एक्स अपॉन 9 माइनस 16 sec square x माइनस माइनस प्लस 16 डी एक्स, तो ये हमें क्या मिल जाएगा sec x, ये स्क्वायर नहीं है, sec x टेन एक्स 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, 25 माइनस 16 sec स्क्वायर x डी एक्स लिख दिए, sec स्क्वायर x है ये। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अभी हम अगर sec सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल्स टू व्हाट sec x। तो अभी हमें पता है कि sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स जो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है हमारे न्यूमरेटर में। तो dt के जगह पे हम क्या लिखते हैं, sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, इसके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और जहाँ पे हमने sec लिखा उसके यहाँ पे t लिख देंगे, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर है ये, तो हमें t स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमारा इक्वेशन देखिए क्या मिल जाएगा, dt अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर मिल गया। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, ये 16 को पहले हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें dt अपॉन, तो ये 25 बाय 16 मिल गया और ये माइनस t स्क्वायर मिल गया। 25 बाय 16 को स्क्वायर के फॉर्मूले में स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 5 बाय 4 हो जाएगा। तो अभी देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय 2 ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो प्लीज़ फॉर्मूले को ध्यान से यूज़ करिएगा, अगर आपने फॉर्मूले को अच्छे से यूज मतलब लर्न नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। ए इज़ व्हाट, 5 बाई 4 लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, तो ये 4 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा 40 लॉग, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 प्लस 40 बाई 4 5 माइनस 40 बाई 4 प्लस सी। ओके, तो ये डिनोमेटर सेम है आपका, कैंसिल कर देंगे, इसे हमने कैंसिल कर दिया है, तो इज इक्वल्स टू आंसर क्या बच जाएगा, 1 बाय लॉग 5 प्लस 4 टी के वैल्यू, टी के जगह पे हम क्या लिख देंगे sec x, और यहाँ पे 5 माइनस 4 sec x प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो में सिर्फ यहाँ तक ही देख रहे हैं, जिसमें आज हमने क्वेश्चन देखे कवर किया हुआ एक्सरसाइज नंबर 4.4 का, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे एग्जांपल हमने आज ये वीडियो में कवर किए हुए। ओके स्टूडेंट, और अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके स्टूडेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ इशू है, सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है तो उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, और इसके पहले मैं आपको इसके बाद बोलना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो उसके पहले मैं बोलूँगा आपको, पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।